वापस जा रहे हैं। लखपत जाना था लेकिन हम जा ना सके क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई थी और उसमें हमने जहाँ से डीजल डलवाया था उसने ख़राब डीजल डाल दिया, जिसकी 5 किलोमीटर का सफ़र था। उसके बाद जो हमारी गाड़ी थी वो ख़राब हो गई है। अब तकरीबन रात के 10:30 बजे हैं। उसे फाइनली नाज़रीन हम लोग लखपत के फोर्ट पहुँच चुके हैं। तमाम मुश्किलों के बाद जो है आखिरकार हम यहाँ पर आ चुके हैं। और तकरीबन आपको आप दुनिया के उन वलियों में से हैं जिन्हें ज़मीन के अंदर दफन नहीं किया गया, आप उन वलियों में आपका शुमार किया जाता है। और कहा ही जाता है कि देखिए ये जो ये खिड़की बनी है ये भी कभी खुला करती थी और अभी इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस जो ये वजू खाना है, जो ये तालाब बना हुआ है, इसकी आज भी एक शिफायाब चीज़ है कि कोढ़ का मरीज जो है और जिसे शरीर का कोई भी रोग है वो इसमें आकर के अगर नहा लेता है तो इंशाल्लाह उसे शिफा हासिल होती है। और इस की सबसे एक ख़ास बात और ये है कि ये पानी जो है दिन भर में 7 रंग बदलता है। अब देख सकते हैं इस तरफ ये पूरा समुद्री समुद्र नज़र आ रहा है, दूर दूर तक आपको पानी पानी दिखेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे चैनल स्टोरी ऑफ वली अल्लाह पर। तो नाज़रीन इस वक्त मैं गुजरात के कच्छ में हूँ और यहीं पर अल्लाह के कई वली आराम फरमा है। तो इस वक्त हम भुज के रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। अहमदाबाद से भुज का तकरीबन 6.5 घंटे का सफ़र था और यहाँ से हमें लखपत जाना है और मुश्किल सफ़र होने वाला है क्योंकि पता चला है कि इधर बारिश ज़्यादा हो रही है और जिसकी वजह से यहाँ से जो है वो बाई रोड सफ़र करना वो आसान नहीं है। तो चलिए चलते हैं और पता करते हैं कहाँ से जाते हैं। और तो दोस्तों इस वक्त हम भुज के स्टेशन पर हैं और अहमदाबाद से हमारी जो ट्रेन थी वो 11:50 की थी और वो ट्रेन ने हमें यहाँ पर 6:30 बजे उतार दिया था। और ये यहाँ के स्टेशन का कुछ नज़ारा है और यहाँ से हम लखपत जाने वाले हैं और लखपत का जो सफ़र है वो यहाँ से तकरीबन 140 किलोमीटर का है। और आप देख सकते हैं कि मौसम भी ठीक नहीं है तो और बताते हैं कि बरसात इधर ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से रास्ता भी अभी ख़राब हो गया इधर का। तो देखते हैं अभी हम बाहर जाने वाले हैं और क्या माहौल है, किस तरह पहुंच सकते हैं आपको ज़रूर बताएंगे। तो नाज़रीन इस वक्त हम कच्छ में हैं और कच्छ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सुबह हम 6:30 बजे स्टेशन पर उतरे थे, वहाँ से पता चला कि बस लखपत जाती है जो कि 6 बजे निकल जाती है। तो हम 6:30 बजे उतरे तो वो बस हमें नहीं मिल पाई और अच्छा हुआ हम उस बस से नहीं गए। हमें बाद में ये पता चला कि वो बस जाती है और जा कर के तुरंत ही वापस चली आती है, वो वहाँ पर आपको रुकती नहीं है और कोई दूसरी बस वहाँ जाती भी नहीं है। तो यहाँ पर आने का सबसे यही बेस्ट है कि आप खुद की गाड़ी करिए। उसके बाद हमने गाड़ी के बारे में पता किया तो गाड़ी वाले ने हमसे 4,000 रुपये मांगे कच्छ और हाजीपुर दोनों जगह जाने के लिए। और द्वापर वगैरह और भी बीच में कादी दरगाहें पड़ती हैं तो हमने उनसे उसके वहाँ के लिए भी बात की तो उसने मना कर दिया। वो बोला मैं आपको 2 दिन का चार्ज करूँगा और उसने 1 दिन के लिए 4,000 रुपये मांगे थे। लेकिन हमारे एक मिलने वाले संजरी टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक हैं अनवर हुसैन खलीफा, उनसे हमारी मुलाकात हुई। अब उनके साथ हम जो है लखपत के लिए निकल रहे हैं इंशाल्लाह। तो बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है। तो दोस्तों इसी रास्ते से हम हाजीपीर गए थे और अभी हम वापस जा रहे हैं। लखपत जाना था लेकिन हम जा ना सके क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई थी और उसमें हमने जहाँ से डीजल डलवाया था उसने ख़राब डीजल डाल दिया जिसकी वजह से इंजन में दिक्कत आ गई है। तो अब हम लखपत नहीं जा पा रहे हैं, इंशाल्लाह अगर वक्त मिलेगा तो कल जाएंगे। और ये देखिए रास्ता है और यहाँ दूर दूर तक जब से हमने सफ़र की शुरुआत करी थी वहाँ से यहाँ तक हमें रास्ते में कहीं भी कोई गाँव या मकान नहीं मिला। यहाँ से तकरीबन हमने 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया और यहाँ की रोड भी जो है आप देख सकते हैं कितनी ख़राब है। तो इसकी वजह से तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो पहले से ही ख़राब है। और उसके बाद जो यहाँ पर आने जाने वाली गाड़ियाँ लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों से ही आते जाते हैं और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है और वाइट रन के नाम से जानी जाती है। नमक का जो उत्पादन होता है वो यहीं पर होता है ज़्यादातर। ये देखिए इस तरफ वो तमाम यहाँ पर पोर्ट वगैरह लगे हुए हैं और दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपको सिर्फ पानी पानी नज़र आएगा। आप देख सकते हैं इस तरफ चारों तरफ आपको पेड़ भी नहीं नज़र आएंगे और इसी तरह का पूरा रास्ता जो है ये रास्ते भर में नज़र आता है।
इसलिए हम लोग हाजी पीर के रास्ते से लौट रहे थे। तकरीबन 105 किलोमीटर का सफ़र था। उसके बाद जो हमारी गाड़ी थी वो ख़राब हो गई है। अब तकरीबन रात के 10:30 बजे हैं। उसे हम दूसरी गाड़ी से अटैच करके ले जा रहे हैं और वो पीछे गाड़ी चल रही है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही मुश्किल सफ़र हो गया ये। तकरीबन 2 से 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद ये दूसरी गाड़ी मिली। हम लोग उसमें अपनी उस गाड़ी को टो करके वापस भुज की तरफ जा रहे हैं। अभी भी यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करना है। तो आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी जो है वो टो करके हम लोग इसमें ले जा रहे हैं। और बहुत मुश्किल सफ़र है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी नहीं है। नाम मात्र पर्सनल गाड़ियाँ ही इस रूट पर चलती हैं। फाइनली अभी दूसरे दिन के सफ़र की तैयारी हो चुकी है। जैसा कि कल हम लगभग जाने वाले थे, हम जा नहीं सके। आज दोबारा से जाने वाले हैं। कल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो बड़ा महंगा पड़ने वाला है क्योंकि ये सफ़र बहुत महंगा होने वाला है। फिर से दोबारा से हमने 3500 की गाड़ी की है डायरेक्ट लखपत जाने के लिए। पूरा शरीफ ले जाएगा और लखपत ले जाएगा। और कल 4000 में हमें गाड़ी मिल रही थी आजीपुर और लखपत के लिए। हमने वो नहीं की, हमारे एक दोस्त थे अनवर हुसैन कभी कभी, उनकी गाड़ी से हम लोग गए जिसमें 2500 का पेट्रोल डलाया। उसके बाद जब वो बिगड़ गई तो उसको दूसरी गाड़ी से टो करके लाए। तो उसके बाद 5000 उसमें चले गए। फिर आज हमने यहाँ से दूसरी गाड़ी की है भूज से। इस वक्त हम होटल में स्टे किया था हम लोग, रात में यहाँ रुके अनुपमा लॉज में रुके थे यहाँ से। तो अभी यहाँ से हम लोग लखपत के लिए निकलने वाले हैं। गाड़ी आने वाली है फाइनली। तो दूसरे दिन का सफ़र हम फिर से करने वाले हैं। और शाम को 10:30 की ट्रेन है यहीं भूज से हमारी। तो बहुत महंगा सफ़र होने वाला है ये। इस वक्त मैं भूज के चौराहे पर हूँ, अनुपमा लॉज में हम उससे रुके थे। तो चलिए, गाड़ी आने वाली हमारी, चलते हैं लखपत के लिए। तो गाड़ी आ गई है भाई हमारी, इसी से हम लोग जाने वाले हैं। तो ये गाड़ी है जिससे हम लोग जा रहे हैं और ये माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा है, आसपास देख सकते हैं। और ये हमारे भाई ड्राइवर हैं। क्या नाम है भाई आपका? तौफीक। तौफीक भाई के साथ जो है इस वक्त हम लखपत जा रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा किराया लिया है तौफीक भाई ने। और इंशाल्लाह मैं इनका नंबर भी आप लोगों को बता दूंगा, जिससे कि आप अगर कभी भी लखपत घूमने के लिए आते हैं तो तौफीक भाई से कांटेक्ट कीजिएगा, ये घुमा देंगे आपको यहाँ माशाल्लाह। और अच्छा किराया भी लिया इन्होंने हमसे, तो आप कभी भी आएंगे तो सिक्योर भी रहेंगे। और इनके साथ पूरा लखपत जो है और तमाम दरगाहें इनको पता भी हैं और आसानी के साथ आपको ये घुमवा देंगे। तो चलिए इंशाल्लाह चल करके आपको लखपत की जो दरगाहें हैं उसको घुमाते हैं। तो फाइनली नाजरीन, हम लोग लखपत के फोर्ट पहुंच चुके हैं। तमाम मुश्किलों के बाद जो है आखिरकार हम यहाँ पर आ चुके हैं। और तकरीबन 3 बज रहे होंगे जब हम 3 से 3.5 घंटे का सफ़र तय करके लखपत पहुँचे हैं। और यहाँ पर अब जो दरगाहें हैं इंशाल्लाह हम उनकी ज़्यारत करेंगे और गौस मोहम्मद शाह की जो मशहूर दरगाह है उसकी भी ज़्यारत करेंगे। अभी ये जो है लखपत का एंट्रेंस पॉइंट है, आप देख सकते हैं। और उस गाड़ी से हम लोग आए हुए हैं और अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और ये एकदम बिल्कुल आखिर में पड़ता है, गुजरात कच्छ में पड़ता है और बिल्कुल आखिर में पड़ता है। तो चलिए आपको चल करके आगे ज़्यारत करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हम गौस मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह पर पहुंच चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले आपको दरगाह के आसपास का मंज़र दिखाने की कोशिश करता हूं। ये कुछ आपकी दरगाह के आसपास का नज़ारा है। और आपको बता दूं कि ये जो हज़रत गौस मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये दरगाह है वो लखपत में है, जो कि कच्छ से तकरीबन कच्छ में पड़ता है और भुज से तकरीबन 140 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस है। और यहाँ से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल ही करीब बचता है। और तो नाज़रीन, ये हज़रत गौस मोहम्मद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना है। और आपकी सबसे ख़ास बात ये है कि आपको, आप दुनिया के उन वलियों में से हैं जिन्हें ज़मीन के अंदर दफन नहीं किया गया। आप उन वलियों में आपका शुमार किया जाता है। और जैसा कि एक आस्ताना हाजी अली का है जो कि मुंबई में है, और उसके बाद एक आस्ताना हजरत शेख आरिफ सफ़ी का जो कि सफ़ीपुर में है, और एक आस्ताना यहीं कच्छ में ही शकरान पीर का है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर में समुद्र के अंदर पड़ता है, और एक ये आस्ताना हजरत
गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये आस्ताना जो कि लखपत में पड़ता है, और माशाल्लाह इस वक्त हम गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने पर हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी के साथ काम किया गया है, और आप देख सकते हैं, बताया जाता है कि ये चेन थी, कभी ये काम किया करती थी और इसमें दरवाजे थे, तो वो इसी पत्थर की चेन के सहारे खुला करते थे। और आपकी इस दरगाह की कारीगरी को इतनी खूबसूरती के साथ अंजाम दिया गया है कि आप हर तरफ इस नक्काशी को खूबसूरती के साथ देख सकते हैं। और कहा जाता है कि देखिए ये जो ये खिड़की बनी है, ये भी कभी खुला करती थी और अभी इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन एक वक्त था कि ये खुला करती थी। और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इसको इसके साथ जोड़ा गया है, और ये हट जाती थी। और इसके साथ ही इस आस्ताने पर चार दरवाजे हैं, पहला उधर दिखाया, दूसरा ये, इस तरह की इस आस्ताने पर चार दरवाजे हैं। और एक अजीम शान करामात, आपके अंदर एक नाव रखी हुई है, आप जब बचपन में छोटे थे तो समुद्र आपके यहाँ से करीब था, तो आप अपनी माँ से जिद किया करते थे कि मुझे नाव की सवारी करनी है, जिसके लिए आपकी माँ साहिबा ने एक छोटी सी नाव बना दी। आप उस नाव को लेकर समुद्र के किनारे गए और उस नाव को समुद्र में डाल दिया, जिसके बाद आप उस पर सवार हो गए और कहा चल, तो वो नाव चलने लगी थी। तो आप एक मादर जात वली थे, बचपन से ही आप से करामातों का जहूर हुआ करता था, और यह आपके जो आल से सज्जादगान हुए हैं उन सभी की ये दरगाहें बनी हुई हैं। और आपका एक तालाब भी है, अभी मैं उसकी भी ज़्यारत करवाऊँगा। तो वो उधर वो वजूखाना बना है जिसमें हजरत गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह वजू किया करते थे। उधर उस साइड में आपका घर हुआ करता था वहाँ पर, और उधर वो मस्जिद है जहाँ पर आप इबादत किया करते थे, अभी मैं वो भी चल कर दिखाऊँगा। और इस जो ये वजू खाना है, जो ये तालाब बना हुआ है, इसकी आज भी एक शिफायाब चीज़ है कि कोढ़ का मरीज़ जो है और जिसे शरीर का कोई भी रोग है, वो इसमें आकर के अगर नहा लेता है तो इंशाल्लाह उसे शिफा हासिल होती है। और इस की सबसे एक ख़ास बात और ये है कि ये पानी जो है दिन भर में 7 रंग बदलता है, वैसे भी नेचर में 7 रंग हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी निगाहें वो देख नहीं पाती, लेकिन इस पानी की एक खासियत है कि ये दिन भर में 7 बार अपना कलर बदलता है। और देखने का नज़रिया चाहिए, अगर आप यहाँ पर रुकें और देखें तो इंशाल्लाह आपको 7 कलर नज़र आएंगे। तो ये ज़ाहिर करामात है हजरत गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की। और ये इस तरफ वो मस्जिद बनी हुई है जहाँ पर आप इबादत किया करते थे, वो देखिए। तो दोस्तों अभी हम किले के दीवार पर चढ़ने जा रहे हैं, और ये कुछ रास्ता है दीवार पर चढ़ने के लिए। और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, आराम से चढ़ते हैं यहाँ पे। अरे अत्यारे बड़ा मानो से त्याग देता ने अने मानो से यही तो बोलते तो यही सदा से ये यहाँ पर इस किले के ऊपर से कुछ नज़ारा है, आप देख सकते हैं इस तरफ ये पूरा समुद्री समुद्र नज़र आ रहा है, दूर दूर तक आपको पानी पानी दिखेगा। दूर दूर तक, और कहा यह जाता है कि यहाँ आगे से ही पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है, और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में होने वाली आजाने भी यहाँ पर सुनाई देती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये किला बहुत ही खूबसूरत ये किला है, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से इस पर दीवारें बनी हुई हैं। और ये गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये दरगाह, और 9 गुंबद की एक दरगाह वो वहाँ पर भी है इंशाल्लाह, अभी वहाँ पर हम जाएंगे। और ये इसमें यहाँ पर आपके वालिद साहब की भी बारगाह जो है वो इसके अंदर है, और ये आसपास का वो खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। और इस तरह इसको चारों तरफ किलेबंदी के साथ इसको बनाया गया, और इसके अंदर पूरी बस्ती एक बसी हुई है, आप देख सकते हैं ये पूरे घर घर बने हुए हैं। और इस तरफ जो है वो समुद्र है, और पूरा आपको पानी पानी नज़र आएगा। और ये किले के ऊपर हैं इस वक्त हम लोग, और आप देख सकते हैं ये इस साइड जो है ये पीछे यहाँ से बिल्कुल समुद्र चालू हो जाता है, और उसी के मातहत ये दीवारें बनाई गई हैं, देखिए कितनी ऊंची है। और वो देखिए यहाँ पर समुद्र और
टोटल पानी ही पानी आपको दूर दूर तक नजर आएगा। और ये पूरा सब दरिया का ये कुछ नज़ारा और खूबसूरत नज़ारा है। इस वक्त आप लुत्फ उठा रहे हैं। इस वक्त हम जो है गुजरात के कच्छ के लखपत में हैं, और लखपत भुज से तकरीबन 140 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये लखपत किला है जहाँ पर हम हैं, और यहाँ पर अल्लाह के दो कई वली यहाँ पर आराम फरमा है, जिसमें गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना जिस पर हमने अभी वो की। तो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कच्छ का सफ़र था वो मुकम्मल हो चुका है, और ये सफ़र हमने तौफीक भाई के साथ मुकम्मल किया। नाज़रीन मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप कच्छ आते हैं और यहाँ घूमना चाहते हैं तो तौफीक भाई की अपनी कैब है, वो कैब चलाते हैं, तो मैं इनका नंबर इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। तौफीक भाई आप अपना नंबर बता दीजिए मेरे व्यूवर्स जो देखते हैं। 9909757871। तो नाज़रीन ये नंबर है, मैं स्क्रीन पर भी ये नंबर दे दूंगा। तो अगर आज आप कच्छ घूमने के लिए आते हैं और कच्छ में जो मशहूर दरगाहें हैं वहाँ पर अगर विजिट करना चाहते हैं तो आप जो मैं नंबर स्क्रीन पर दूंगा उस पर कॉल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप जैसे ही भुज स्टेशन पर उतरेंगे तौफीक भाई वहाँ से आपको रिसीव कर लेंगे। हाजी पीर, लखपत और जो भी यहाँ की मशहूर दरगाहें हैं वहाँ पर आपको विजिट करवा देंगे। तो मैं यहाँ आया था, मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, लेकिन फाइनली मुझे तौफीक भाई मिले और मैं यहाँ पर आसानी के साथ अपने इस ज़ियारत को मुकम्मल कर सका। तो मेरा आप सभी को यही सजेशन है कि इंशाल्लाह अगर आप लखपत या कच्छ या कहीं भी घूमने के लिए आते हैं तो आप तौफीक भाई से संपर्क करें, या आपको भुज स्टेशन से ले लेंगे और यहाँ की तमाम बारगाहों की आपको ज़ियारत करवा देंगे।